अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी यहाँ पे ठीक हैं, खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म हो चुका हुआ है और यहाँ पे अब लोग जो हैं वो बाहर आ गए हैं और शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट अभी यहाँ पर नहीं आए हैं, टूरिस्ट बहुत कम है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आए मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद यहाँ पे ब्लू मॉस में और यहाँ पे ग्रैंड बाजार में कैसा चल रहा है। फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ पे डॉलर का और इस डॉलर का और जो यूरो का रेट है वो बहुत ज़्यादा, यूरो नीचे यानी कि जो तुर्की लीरा है वो नीचे गिर गया और डॉलर ऊपर चला गया और यूरो ऊपर चला गया। फ्रेंड्स, ये देखें, पहले ऐसे रश बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब जो रश है वो काफ़ी ऐसा ऐसा ज़्यादा होता जा रहा है। बेसिकली अभी मैं तकरीबन टाइम जो है वो 7 बजे का टाइम है शाम का, और देख लें 7 बजे शाम को भी लोग जो हैं वो बाहर वॉक पे हैं। पहले इतना रश नहीं था, लेकिन अब बहुत रश होने लग पड़ा है आहिस्ता आहिस्ता। ये 2 से 3 दिन पहले इन्होंने लॉकडाउन ख़त्म किया और उसके बाद जितने भी लोग हैं वो बाहर आ गए, लेकिन अभी टूरिस्ट जो टूरिस्ट है अभी वो आए नहीं हैं। अभी टूरिस्ट आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, और वैसे भी इन लोगों ने जो भी बाहर से चंद कंट्रीज हैं उन लोगों के लिए इन्होंने क्वारंटीना कर दिया है 14 दिन के लिए। अगर वो वहाँ से वैक्सीनेशन नहीं करवा के आते तो उनको यहाँ पे 14 दिन रखेंगे, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है। बस आप लोग दुआ करें कि जो भी पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से आए तो उनको कोई कोविड का कोई ऐसा ना हो, वरना उन्हें यहाँ पे 14 दिन रखा जाएगा। Elemanların başına da ben sana has vereceğim. फ्रेंड, ये ब्लू मॉस्क है और ये कुछ रेनोवेट हो रही है यहाँ पे, कुछ इसको ठीक किया जा रहा है। तो फ्रेंड, ये मैं ब्लू मॉस्क में आ गया हूँ और यहाँ पे ऐसा जैसे पाकिस्तान में सुकून नहीं मिलता किसी मस्जिद में, या किसी जैसे हम बादशाह मस्जिद में जाते हैं या डिफरेंट जगहों पे जाते हैं जहाँ पे सुकून मिलता, यहाँ पे ऐसा सुकून है। Yeah.
फ्रेंड ये ब्लू मॉस्क है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आया सूफिया है। तो मैं आपको आया सूफिया भी अभी दिखाता हूँ, लेकिन ये अभी रनवेट हो रही है और ये फ्रेंड आया सूफिया है बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा, आया सूफिया को देखने के लिए, ब्लू मॉस्क को देखने के लिए। अभी शाम का टाइम हो गया हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत रश है। ये आया सूफिया है। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे आएँ तो आया सूफिया में जुम्मा ज़रूर पढ़ें, आप देखेंगे कि आपको कैसा मज़ा आएगा यहाँ पर और आप कैसा महसूस करेंगे यहाँ पर आया सूफिया में जुम्मा पढ़ के। ओके फ्रेंड्स अब मैं शाम का टाइम हो गया है, अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। तो मैं इस टाइम जो स्टेशन है जैतिन बरनो में वहाँ पे हूँ और इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और आपको और इन्फॉर्मेशन दूँगा तुर्की के बारे में। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी फैमिली को और आपको अपने जुमान में रखे। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।